हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीमिक्स के 86 सेशन में। और ये 86 सेशन हमारा डिवोटेड है आज टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी जो मदद करती है दिन रात सुबह शाम हमें हर जगह पर, और हमें मदद करती है बहुत ही अच्छी सी एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक फ्रूटफुल टेस्ट सीरीज आप सबको डिलीवर करने के लिए। ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके थ्रू आप बहुत सारी अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सब कुछ देख सकते हैं, अच्छे सॉल्यूशन देख सकते हैं, एंड घर बैठे घर छोड़ के जाना नहीं पड़ता, बहुत अच्छी सॉल्यूशंस घर बैठे मिल जाते हैं। तो यू कैन ऑलवेज एनरोल फॉर टेस्ट सीरीज, और हमने टेस्ट सीरीज बहुत मेजरली अपग्रेड करने शुरू कर दी है ताकि अभी जो आप नज़दीक आ रहे हैं जो प्रीलिम्स के, और आपका थोड़ा मोमेंटम अप होना शुरू हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल करते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी। ये हमारे हमने कुछ क्वेश्चन का हमारे पास एक पूल है, एक डेटाबेस है, उसमें से हमने आपके लिए स्पेसिफिक 5 सवाल हैं ये टेक्नोलॉजी पर। अगर आपको आते हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल, अदरवाइज यस, मेहनत करते रहना इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल, आज का पहला सवाल, इट इज अबाउट ज़ूनोसिस। ये सवाल हमने आपसे बहुत बार पूछा है, एंड जो ये टर्म है जो आपको मैं बताऊंगा होती के बाद में, ये एक थीम है, इसको आप थीम मान के चलिए। यूपीएससी बहुत बार पूछता है इस पर, बहुत से बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं, उनको बताना जरूरी है कि ये थीम है, इसके बारे में जानना है आपने। ऑल राइट, तो आपने बताना है कि ज़ूनोसिस होते क्या है। पहला, ये वो एक क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि पूरा साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सर्दी गर्मी बरसात की कोई टेंशन नहीं है पूरा साल। या फिर ये ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो जानवरों से, एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती हैं, या एंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, या फिर ये एक पर्टिकुलर रैंचिंग एक्टिविटी, रैंच मतलब जो जैसे चरवाहे होते हैं जो ग्रासलैंड्स वगैरह पे वहां पर रैंचिंग करते हैं, रैंचिंग एक्टिविटी जो सदर्न यूएसए में की जाती है। एंड या फिर एक ये नाम है फिश का जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ज़ूनोसिस के नाम से। तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से ज़ूनोसिस को करेक्टली क्या एक्सप्लेन करता है, क्या चीज़ है ज़ूनोसिस। एंड राइट आंसर इज यस, ये इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने एनसीईआरटीज और अखबार अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पता होगा जो जानवरों से, क्योंकि हमें जानवरों से बहुत सारी डिजीजेज मिलती हैं ह्यूमंस को, वो सभी क्या कहलाती हैं, दोज आर कॉल्ड ज़ूनोटिक डिजीजेस। ठीक है, तो वो ज़ूनोटिक जो वर्ड भी कहाँ से आया हमारे पास, ये वाला ज़ूनोसिस, जो ज़ूनोटिक डिजीजेस कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देख सकते हैं इबोला है ना, इबोला भी हमें जैसे फ्रूट बैट्स वगैरह से मिली थी ऐसा कहा जाता है। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में यहाँ बताइए कि और कौन सी इंपॉर्टेंट ज़ूनोटिक डिजीजेज हैं जिससे ह्यूमंस बहुत परेशान रहते हैं। ऑलराइट, एंड देन ये मैं आपको क्यों बोल रहा थीम है, क्यों जैसे आप जैसे H1 वाली जितनी भी डिजीज हैं, H1N1 है ना, H1N5 जैसे ये वाली जो वेरियस डिजीजेज हैं जो हमें जो एनिमल से मिलती हैं, स्वाइन फ्लू हो गया, तो ये सभी कहीं ना कहीं यूपीएससी इन पर बहुत ज़्यादा नज़र बनाए रखता है, आपसे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो जब भी कभी आप कोई ऐसी डिजीज़ देखें जो आपको लगता हो कि ये एनिमल से आई है, ज़ूनोटिक डिजीज़ है, उस पर पक्का रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज अगला सवाल है अबाउट एक कंपनी है स्पेसएक्स, आपने नाम सुना होगा स्पेसएक्स, एक प्राइवेट कंपनी है जो एरोस्पेस या फिर स्पेस ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारा सामान बनाती है, इलॉन मस्क उसके जो फाउंडर भी हैं। तो आपने उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है, नासा से भी बेटर इसने अब जो व्हीकल्स बना लिए हैं, तो इसीलिए सवाल तो यहाँ पर इन पर पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कि इनका स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जो कि पहला ऐसा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया। ऑलराइट, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा वो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया था, क्या उसका नाम फाल्कन है या ड्रैगन या हार्मनी या एरिजोना। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा नाम है। यूपीएससी स्पेसएक्स से जुड़ा हुआ एक और प्राइवेट कंपनी का सवाल पूछ चुकी है पहले। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था, ये थोड़ा सा बेटर सवाल है, तो ये शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पूछे तो। एंड राइट आंसर इज ड्रैगन। देखो ये दो तरह के जो व्हीकल्स बनाए हैं उन्होंने, एक तो फाल्कन और एक ड्रैगन। तो इसके बारे में, वैसे ड्रैगन के बारे में बताया गया कि ड्रैगन का पूरा ऐसे नक्शा क्या कहाँ पे क्या क्या है, हीट शील्ड एक्सेट्रा। एंड देन ये पर्टिकुलरली जो फाल्कन और जो ड्रैगन फैमिली है, ये डिज़ाइन ही इसीलिए की गई है कि ये ऊपर बहुत जो अर्थ ऑर्बिट्स के बियॉन्ड भी जा सके। ठीक है, ये पेलोड्स डिलीवर करे अर्थ ऑर्बिट तक, पेलोड मतलब बहुत सारा सामान ले जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और पढ़ते रहिए, हमने पूरा एक वीडियो डाला हुआ है अबाउट वेरियस स्पेसक्राफ्ट्स, उसमें फाल्कन एंड ड्रैगन भी डिस्कस किया है हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सर्च कीजिएगा स्लीपी क्लासेस फाल्कन ड्रैगन या स्पेसक्राफ्ट्स करके, आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल करते हैं।
इट इज अबाउट एक्साइटोनियम. हमने लास्ट टाइम भी ऐसा एक बताई थी चीज, बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, और वो आपको मेंस में पूछा गया. तो ऐसे जो नई नई चीजें आती हैं जाननी जरूरी है. तो एक्साइटोनियम, एक्साइटोनियम के बारे में आप बताइए, ये क्या चीज है एक्साइटोनियम, व्हाट इज इट. ठीक है, पहला, क्या ये एक लेटेस्ट मेटल है जो कि साइंटिस्ट को मिला है, पीरियोडिक टेबल में ऐड कर दिया गया, या फिर एक नई फॉर्म ऑफ मैटर है, नई फॉर्म ऑफ मैटर जो कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव की है, या फिर एक जो आपको पता है एक एलिमेंट होता है जर्मेनियम, ये जर्मेनियम की एक आयन, आयन मतलब जिसमें अगर हम उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जर्मेनियम का आयन है जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, या फिर ये एक नया डिस्कवर्ड एक प्लैनेट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, जो हमारी नज़दीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से बना हुआ है. आपने बताना है एक्साइटोनियम इसमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ है एक्साइटोनियम. न्यूज़ में था, ऐसे ऐसी चीज़ें ही न्यूज़ में होती हैं, कहीं साइड में पड़ी होती हैं द हिंदू एक्सेट्रा में, जो हम आपको डिड यू नोटिस सीरीज़ वगैरह में बता रहे हैं कि प्लीज़ इनको देख लेना एक बार, तो ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे बाद में जाके अगर हमने उन पर रिसर्च अच्छे से नहीं करी. तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा. आंसर इज यहाँ पर एक स्टेट ऑफ मैटर, सातवीं स्टेट ऑफ मैटर कहा गया इसे. जैसे सिंपल मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये था इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है पूरा ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी तो ये हायर ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये थी ऑर्बिट एक, इसके बाहर वाला ऑर्बिट चक्कर काटते रहते हैं ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करी तो ये हायर ऑर्बिट में आ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ठीक है दोस्तों. तो अगर मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, ये मूव कर गया, अपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ गया ऊपर, तो यहाँ पर एक स्पेस वेकेंट हो गई, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको इट इज़ नोन एज होल, ठीक है, ये खाली रह गया छेद. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया आके, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आके होल में अगर वापस ये समा जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या होगा, तो एक नई तरह के बोजॉन प्रेजेंट होगा, उसको क्या नाम रखा गया, एक्साइटोन, एक्साइटोन कहा गया उसे. एंड अगर उसकी स्टेट ऑफ मैटर देखी जाए, दैट इज अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, एक्साइटोनियम, ठीक है. तो ये एक्साइटोनियम वही है कि जब स्टेट ऑफ मैटर से बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड वापस जब जाते हैं होल में, तो देन दे क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ अ थिंग, एक नए तरह का, एक ये समझाने की वही ट्राई है, एक नए तरह का वहां बोजॉन बनता है, दैट इज नोन एज एक्साइटोनियम, ठीक है. उसको एक्साइटन कहा गया, एक्साइटोन कहा गया, तो एक्साइटोनियम उसकी स्टेट ऑफ मैटर का नाम है, ऑल राइट, ठीक है दोस्तों. तो उसको पढ़ सकते हैं, आपको और भी बेहतर बेहतर समझ आएगा, तो जरूरी है जानना इन चीजों के बारे में, ऑल राइट. चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का. तो ये अगला सवाल जो है आपके लिए ये है अबाउट रूबेला. तो अभी इंडिया में जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, रूबेला वैक्सीन भी आ गई उसके लिए, तो आपके लिए बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि रूबेला जो एक डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, इज इट अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, इन्फ्लुएंजा, या फिर प्रोटोजोअन, ठीक है. तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी डिजीज है इसमें से पर्टिकुलरली जो रूबेला जिसका नाम है, एंड इसका आंसर दोस्तों, ये आंसर क्योंकि जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि रूबेला के बारे में आपने वैक्सीन आई थी उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन रूबेला है क्या उसके बारे में और जानना ये जरूरी है. यही सिर्फ सिखाने की ट्राई कर रहे हैं आपको अपने सारे जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन से. एंड राइट आंसर इज वायरल डिजीज. एंड रूबेला को वैसे मीजल्स से भी वैसे कंफ्यूज किया जाता है, तो मीजल्स का ही भाई बंधु है ये. तो रूबेला और वैसे मीजल्स मिलकर बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं, बच्चों को बहुत तंग करते हैं ये, एंड बहुत सारी दुनिया में इनसे जो डेथ्स भी होती हैं. मीजल्स और भी भयंकर है, जो मीजल्स और अगर रूबेला का देखें तो कितने सारे यहाँ पर चीज़ें मिलकर कॉज करती हैं. और जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है, 3 डे मीजल्स भी कहा जाता है रूबेला को, ध्यान रखें इसको, वायरल डिजीज है. एंड जनरली ये माइल्ड इन्फेक्शन है वैसे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं, जो प्रेग्नेंट जो विमेन है अगर उनमें हो जाए तो देन वहाँ पर उसको जो पूरा एक सिंड्रोम मतलब एक डिजीज का पूरा एक गुच्छा, एक पूरा डिजीज का गुच्छा जो अटैक करता है, फिर वो कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं उसको. एंड देन वहाँ पर क्या होता है कॉन्जेनाइटल, उसमें जैसे जो फीटस या जो अभी अनबॉर्न जो बेबी है या जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी आईज पर असर पड़ता है, ईयर्स पर, ब्रेन एंड हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं. तो इसीलिए पूरा एक डिजीज का पहाड़ टूट पड़ता है, इसीलिए रूबेला को क्योर करना बहुत ज़रूरी है. सरकार ने मीजल्स रूबेला की वैक्सीन ऐड की है रिसेंटली हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो ध्यान रखें इस बात का, ऑल राइट. चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का, थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ चलते हैं. तो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर प्रोग्राम है, और उसमें अभी हमारा जो आखिरी स्टेज है दैट इज़ ऑफ थोरियम फ्यूल रिएक्टर साइकिल, जो हमारी फाइनल स्टेज भी है. ये लास्ट टाइम मेंस का सवाल भी बनकर आया था, लास्ट टाइम 2017 में, तो इसीलिए जानना जरूरी है. मेंस के सवाल प्री में कब आ जाएं कोई नहीं जानता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो
यहाँ मुझे आप बताइए कि इसमें जो हमारा ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, इसमें से कौन सी चीज़ जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा वो इससे जुड़ी हुई है फाइनल स्टेज से हमारी? कामिनी, भाविनी, अश्विनी या कैगिनी? अखबार पढ़ते हैं तो आपको आता होगा, अगर अदरवाइज आपने जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है GS3 के कि हमें साइंस एंड टेक में ये पढ़नी है चीज़ें, तो अगर आपने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं पढ़ा तो आपको शायद ये आंसर नहीं आता होगा। इसीलिए बस आपको थोड़ा सा बताना कि सिलेबस में गिवन चीज़ें हैं, UPSC ने कुछ चीज़ें तो लिखी हैं, हमें हमें पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें से एक है ये। एंड राइट आंसर इसका दोस्तों, इसका आंसर है कामिनी। कामिनी का मतलब जैसे क्या होता है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। अभी आगे बताता हूँ जैसे क्या होता है। एंड इसमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेंगे, कोई नुकसान नहीं है। एंड हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, आप अदरवाइज सर्च कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, या सिंपली न्यूक्लियर प्रोग्राम कर कीजिएगा सर्च, आपको दिख जाएगा वहाँ पर पहला वीडियो आता है जो सर्च में, ये लिंक भी लगा दिया गया है। और ये लास्ट टाइम जो मेंस में सवाल आया था एग्जैक्टली आंसर हो जाता था, तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, इतना सारा कंटेंट डिलीवर करने की ट्राई कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैंड पिक्ड कंटेंट, ताकि और उसमें से इतने सारे सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो वाई नॉट स्टडी, है ना? तो इसमें पढ़ाई करो साथ साथ में, जो बहुत अनगिनत सवाल टेस्ट सीरीज में गिवन है, जो जो आपका जैसे मेंस के टेस्ट सीरीज में क्रैश में जो चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो पढ़ाया ज़्यादा जा रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ो, मेहनत की रिक्वायरमेंट है, मेहनत करो। ऑलराइट, तो ये कामिनी मिनी का नाम है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, ये एक रिसर्च रिएक्टर है जिसको 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया, और अभी वैसे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में पड़ा हुआ है कल्पक्कम, और जॉइंटली इसको बाक, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने मिलकर डिज़ाइन किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देख लेना ये वीडियो पक्का ही पक्का कि, और इसके इसके बारे में और जान लेना पूरा जो 3 स्टेज न्यूक्लियर हमारा प्लान है क्या। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, बस जाते जाते विदा लेते हुए आपसे एक थोड़ी सी बस रिक्वेस्ट है कि जिस जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं शुरू में, तो आपको अगर 5 किलो के डंबल उठाने के लिए बोलते हैं तो बहुत दर्द होती है मसल्स में, लेकिन ग्रेजुअली आप देखते हो कि आप 25, 30, 50 किलो कितने कितने के डंबल उठा रहे हो, तो 5 किलो वाला तो आपका वार्म अप भी नहीं कहलाता, उससे भी हल्का हो जाता है ना? तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो दैट इज़ इट, करते रहिए रोज़। अगर आप पढ़ाई जैसे अभी थोड़ा मोड में आ रहे हैं, कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 3, धीरे धीरे पढ़ते रहिए फिर, क्योंकि ग्रेजुअली आपका ये वार्म अप बन जाएगा, थोड़ी छोटी सेटिंग, तो इसीलिए छोटी छोटी सेटिंग करते रहिए, ग्रेजुअली यू विल नॉट इवन रियलाइज़ कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जानते जाएंगे कितना जानने के लिए बाकी है अभी। जब आप नहीं पढ़ते तभी हमें लगता है कि अभी तो चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे कितना ही होगा, कुछ नहीं होगा, अब देख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एज यू कीप गोइंग डीपर, एज यू कीप स्टडिंग मोर, यू कीप रियलाइजिंग कि कितना कुछ है जानने के लिए, एंड वो जानना कितना ज़रूरी है। और अगर नहीं जानेंगे एग्जाम में जाके सिर्फ 100 सवाल पूछने हैं, एग्जैक्टली 100 सवाल, इतने अनगिनत जो चीज़ें आप पढ़ोगे, आप कम से कम 10-15 हज़ार, मे बी 20-25 हज़ार सवाल सॉल्व करोगे, आई डोंट नो कितने करोगे, तो उसके उसमें हर एक चीज़ में कितनी कितनी चीज़ें लिखी हैं, 1-1.5 लाख चीज़ें आप जानते हो, 1 लाख चीज़ों में से सिर्फ 100 चीज़ें पूछनी है, और उसमें से भी हमें अगर कुछ ना आती हो तो कितनी दुख की बात है। तो इसीलिए मेहनत कर रहे हो तो गो डीपर, अदरवाइज तो बहुत ही लक का मैटर हो जाएगा ना, कि अगर लक हुआ उस दिन तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो लेट अस डिफीट लक, है ना? लक कैन बी डिफीटेड हाउ, बाय वर्किंग वेरी हार्ड, एंड बहुत मेहनत करने से जनरली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड कि ओनली हार्ड वर्क गॉट देम थ्रू, अदरवाइज जब तक वो अपने स्मार्ट वर्क पर जो रियलाइज कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने स्मार्ट वर्क को ऐसे ही कर दिया, बहुत प्रचलित कर दिया स्मार्ट वर्क कहीं कभी भी हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं करता। हाँ, स्मार्ट वर्क का मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप सिर्फ काम की चीज़ें पढ़िए, जो बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें हैं वो पढ़िए, इररिलेवेंट जैसे आप पढ़ते रहेंगे, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में PhD कर देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, एक सवाल आएगा उसका मेंस में, तो इसीलिए ज़रूरी है स्मार्ट वर्क तो किया जाए, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम हार्ड वर्क के उस पर नहीं कर सकते कि मैं 2 घंटे में मैं स्मार्ट वर्क कर लूँगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं होगा, UPSC वो एग्ज़ाम ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मेरे मन करता है आपको समझाने का कि जो नए लोग हैं जो अभी पढ़ाई में आ रहे हैं या फिर पहले से अटेम्प्ट दे रहे हैं कुछ, अगर उनका प्रीलिम्स वगैरह क्रैक नहीं हो रहा तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, और सीरियस वाली मेहनत, बिल्कुल फोकस्ड वाली मेहनत, जब वो करोगे पक्का रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड क्योंकि आते रहे हैं ना लोगों के रिजल्ट अच्छे आते रहे, हर साल लोग रैंक लेते हैं, कोई ना कोई तो लोग हैं वो कौन से हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल, एंड मेहनत करिए आप भी, हम भी करेंगे। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।